लेकर चलते हैं ऋषिकेश, जहां पर गंगा घाट पर गंगा आरती शुरू हो चुकी है। साथ ही हमारे सहयोगी ठाकुर अमनदीप वहां से जुड़ चुके हैं। Thank you.
आ जाओ। तो ठाकुर अमनदीप सिंह हमारे सहयोगी वहां से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं कि ऋषिकेश में और क्या कुछ रहा। भव्य आरती का नजारा हमने आपको दिखाया है, भव्य आरती का नजारा हमने आपको अभी दिखाया, दर्शकों को दिखाया खबरें मिथक के माध्यम से। और मैं आप यहाँ खास बात ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो आरती के समय जो ड्रम बजाया जा रहा था वो विश्व विख्यात शिवमणि जो हैं वो खुद यहाँ ड्रम आरती के समय बजा रहे थे। और ये आपको मैं ये भी बता दूं कि ये साल में एक बार ऐसा मौका होता है कि शिवमणि खुद यहाँ पर आकर गंगा आरती के लिए, भव्य आरती के लिए यहाँ पर ड्रम खुद बजाते हैं। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है और ये दिखाता है किस तरह से जो श्रद्धा है माँ गंगा के लिए, श्रद्धा है यहाँ पर गंगा आरती के लिए, वो लोगों में किस कदर है। और आपको बता दूं मैं, गंगा आरती खत्म होने के बाद भी यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो नाच रहे हैं और शिवमणि जो है वो उसी श्रद्धा भाव से ड्रम बजाते जा रहे हैं। आपके लिए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरह से जो मंत्रमुग्ध हैं श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हैं वो शिवमणि के ड्रम का मजा ले रहे हैं। और साथ ही जो श्रद्धा से सराबोर होकर यहाँ जो एक माहौल बना हुआ है वो शीनम वाकई में ऋषिकेश के इस गंगा घाट के किनारे के अलावा पूरी देश में, पूरी दुनिया में कहीं और वो नहीं मिल सकता। जो सुकून यहाँ पर आकर मिलता है वो कहीं और नहीं मिल सकता, जो एक शांति मन को यहाँ पर आके मिलती है वो कहीं और नहीं मिल सकती। और ऐसा भव्य नजारा साल में कुछ ही दिन ऐसे होते हैं, कुछ ही मौके ऐसे होते हैं जो देखने को मिलते हैं शिनम। और होली का पवित्र और पावन त्योहार उन मौकों में से एक मौका है जब हमें और हमारे दर्शकों को ऐसा ये भव्य जो नजारा है वो देखने को मिलता है। और आपको बता दूं कि मैं ये सब जो नजारा है इसमें चार चांद लगाता है इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल जो कि यहीं पर यानी कि परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में रखा गया है। 1 मार्च से 7 मार्च तक ये इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल चलेगा जिसका हिस्सा सौभाग्य की बात है कि ये इसी दौरान होली का ये पर्व पड़ा और इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल में पहुंचे 90 से ज्यादा देशों के जो श्रद्धालु हैं उन्होंने योगा के साथ साथ इस पवित्र और पावन त्योहार का मजा भी लिया जो कि भारत में ही मनाने को मिलता है, भारत में ही देखने को मिलता है, भारत की संस्कृति में ही जिस पर्व का महत्व है। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और एक बार फिर से जो भव्य आरती खत्म होने के बाद भी जो नजारा है यहाँ सराबोर हो चुके हैं, सभी जो श्रद्धालु हैं नाच रहे हैं, झूम रहे हैं माँ गंगा के किनारे, गंगा मैया के किनारे। और वाकई में ऐसा नजारा कहीं और किसी को भी देखने को नहीं मिल सकता। खबरें मिथक की टीवी स्क्रीन पर जो लोग इस वक्त देख रहे हैं वो अपने आप में ऐसा दृश्य है जो सालों में अब मैं कहूँगा 1 या 2 बार 1 साल में देखने को मिलता है। और बहुत ही यहाँ पर जो एक श्रद्धा भाव का माहौल बना हुआ है अपने आप में बहुत बड़ा महत्व रखता है चिन्हम। और मैं आपको बताना चाहूंगा अमूमन जो होता है आरती के बाद सभी लोग अपने अपने घर की तरफ, अपने होटल की तरफ चले जाते हैं, लेकिन आज मैं बता दूं आरती खत्म हुए को समय हो चुका है, समय बीत चुका है, लेकिन फिर भी लोग यहीं मौजूद हैं, लोग यहीं पर जो है खड़े होकर आरती के बाद भी झूम रहे हैं मस्ती में माँ गंगा के किनारे, गंगा के तट पर। और आप देख सकते हैं किस तरह से एक बार फिर से श्रद्धालुओं के हाथ ऊपर हैं, खड़े हैं, तालियां बज रही हैं, गड़गड़ाहट तालियों की यहाँ सुनाई दी जा सकती है शिनम। और इस वक्त तक ये गंगा घाट खाली हो चुका होता है लेकिन आज होली के खास पर्व के उपलक्ष्य में ये घाट अभी भी श्रद्धालुओं से भरा हुआ है। और शिवमणि लगातार यहाँ पर जो बैंड है म्यूजिक देकर, यहाँ पर बैंड बजाकर, ड्रम बजाकर अपने साथ मौजूद श्रद्धालुओं को सराबोर कर रहे हैं और भक्ति का रस यहाँ पूरा देखने को मिल सकता है। आपको बता दूं ऋषिकेश वैसे ही आध्यात्मिक जगह मानी जाती है, आध्यात्म के लिए ये शहर, ये नाम ये जाना जाता है, माँ गंगा मैया यहाँ पर है, गंगा का पावन स्वरूप यहाँ पर है। और ऐसे में जब संगीत जुड़ता है, क्योंकि संगीत को जो है वो एक थेरेपी भी कहा जाता है, संगीत खुद में बहुत बड़ा एक आध्यात्म का केंद्र कहते हैं संगीत को। और इस संगीत के माध्यम से आज हजारों श्रद्धालुओं को यहाँ पर शिवमणि ने नाचने को, झूमने को मजबूर कर दिया। शिनम ये नजारा हम अपनी आंखों से देख सकते हैं और खबरें अभी तक देख रहे जो दर्शक हैं वो खबरें अभी तक के माध्यम से इस नजारे का आनंद उठा सकते हैं जो कि शायद ही इस साल में दोबारा देखने को मिले। हो सकता है अगले साल फिर से अगर दीपावली या फिर होली जो है ऐसे मौके पर पड़े, लेकिन शिवमणि तब यहाँ देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि ये सिर्फ इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल के दौरान ही शिवमणि यहाँ पर आते हैं।